भले ही जिला प्रशासन सरकार के सामने विकास का दावा पेश करता हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। गुमला जिले के कई गांव अब भी विकास की बाट जोह रहे हैं। उनमें से एक है गुमला शहर से सटे करौंदी पंचायत। इस पंचायत का एक गांव हंसलत आज भी विकास से कोसों दूर है। सरकार की योजनाओं का लाभ यहां के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। गुमला नगर क्षेत्र से सिर्फ थोड़ी दूरी पर स्थित है करौंदी पंचायत। पंचायत में एक गाँव ऐसा भी है जहां अधिकारियों की उदासीनता, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। बरसात के दिनों में ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है और दूसरे इलाकों से यहां का संपर्क टूट जाता है। न ग्रामीणों को शौचालय योजना का लाभ मिला, न दूसरी योजनाएं इस गांव तक पहुँच पाई है। ढस गया है, मोटरसाइकिल भी पार नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी यहाँ चापाकल पूरा डेड हो गया है, वहाँ पानी के लिए भी बहुत सुविधा हुआ है। कितना चापानल है यहाँ पे? चापाकल चार पाँच हुआ है। चार पाँच हुआ है, तो उसमें से कितना चालू है, कितना डेड है? चालू केवल एक थोड़ी महली टोला में केवल चालू है, और ये दो थो और बाकी सब डेड है। 22 तक मतलब कि पूरी हो जाए कह के कहे हुए थे, उस पर कोई पूरी होने का कोई छूट नहीं है। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय भी कुछ बाकी है, और इस पर जो हम लोग का समुदाय के लिए भी दिए थे उस पर भी बकाया है। स्कूल तो है, लेकिन स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इतना ही नहीं, मॉडल ग्राम गाँव के तौर पर संचालित जिन योजनाओं को गाँव में पहुँचाना है, वो भी सरकारी कर्मचारी और बिचौलियों की भेंट चढ़ जाते हैं। कभी काम इस वजह से हम लोग का गांव जो है बहुत पिछड़ा है। बहुत सारा जो कार्य होना चाहिए विकास के लिए, जो नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत सारा काम है जो छूटा। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं बचा जहाँ वो समस्याओं को लेकर दस्तक लगाने न पहुँचे हों, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। चापाकल नहीं है, इसके लिए सभी बच्चा लोग, गांव के किनारे एक नदी है, वही नदी का पानी से जो खाना मिलता है, उसका बर्तन धोता है, उसी पानी को पीता है। मतलब इसी तरह से देखा जाए तो काफी समस्या है इस गांव में। यहां पर सुविधा भी उतना नहीं है कच्चा मकान में, और लिखित दिए है पक्का मकान के लिए डीसी साहब को, लेकिन वो भी सुनवाई नहीं हुआ। प्रशासन को जब हमने ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने स्थिति को शर्मनाक माना और जांच कर आगे कार्रवाई करने की बात कही। प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उनको मैंने कहा है कि ये सारी समस्याएं जो आ रही है, सड़क नहीं है या सड़क में गड्ढे हैं जो ग्रामीणों के लिए उपयुक्त नहीं है, या अन्य जो समस्या आप बता रहे हैं पेयजल से संबंधित, शौचालय से संबंधित, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको जांच करा करके कार्रवाई करने का। अधिकारी भले ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन इस बात की गुंजाइश कम ही है कि नगर क्षेत्र के इतने नजदीक जो गांव है वहां सरकारी सुविधाएं न हैं, ये उन्हें न पता हो। ऐसे में साफ तौर पर व्यवस्था की लापरवाही दिखाई देती है। न्यूज 11 भारत के लिए गुमला से अंशु निधि की रिपोर्ट।